नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। एक बार फिर से ये जो एमजी रोड जिसे कहा जाता है, सुपरमार्केट के सामने से जो रोड जाती है स्टार सिनेमा के सामने से, एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह गड्ढे में यहाँ पे जो गड्ढा हो गया है, जो रोड को स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं, उस रोड में फिर से एक बार एक बड़ा ट्रक, इस बार तो एक बड़ा वाहन फंस चुका है। अक्सर हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आए दिन कोई ना कोई गाड़ियाँ फंसते रहती है, पर आज तो पूरा ट्रक ही फंस चुका है। आप ठीक मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं किस तरह यहाँ पे ये ट्रक मिट्टी के बीच में फंस गया है। आपको बता दें कि हाल ही में हुई कुछ दिन पहले यहाँ पे सड़क निर्माण के कार्य में यहाँ पे सड़क को संतुलित करने के लिए इसमें मिट्टी ढाला गया था, लेकिन आप देख ही पा रहे हैं कि आप किस तरह का, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं सभी लोग मिलकर कितनी मुश्किल से यहाँ पे इसे ट्रक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हुए, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सड़क पे रोज गाड़ियाँ इसी तरह फंसती रहती है, बारिश आने से गड्ढा होता है, इसलिए ऐसा होता है। क्या बोले, किसको क्या बोलेगा? तो मतलब हम देखते रहते हैं इस गड्ढे में आए दिन गाड़ियां फंसते रहती है, तो मतलब अब तक कितनी गाड़ियां यहां पे फंस चुकी है? यहां पे सुबह से शाम तक कम से कम 15-20 गाड़ी फंस जाती है, और हम लोग पत्थर डालते हैं, धक्का मारते हैं, फिर बारिश होता है तो कभी ऑटो पलट जाती है, कभी मोटरसाइकिल पलट जाती है। आज के हमारा जयगांव PWD कब से रोड बनाने के लिए बोल रखा है, लेकिन आज तक जयगांव का रोड के लिए कोई PWD ने कोई कहते पूरा नहीं किया। आप जाके गड्ढा गली में देखिए, मल्ले में देखिए, एक भूटान गेट इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा सेंट्रल फोर्स रहते हैं, वहाँ पे गड्ढा हो रखा है। कितना गाड़ी फंस जाती है, जैसे पानी पड़ जाता है हम लोग लगता है कि बाढ़ आ रहा है, और यहाँ पे बारिश हो जाता है। सुबह से देखिए, आज लेके मिट्टी डाल दिया है, बस इतने से उठा के मिट्टी डाल दिए, लेकिन फिर भी देखे गाड़ी फंस के गाड़ी निकल नहीं पाए, 2 घंटा हो गया, ये हालत हो रखा है। र हम PWD, हमारा जयगांव प्रशासन, बड़े बड़े नेता जो भी जितना भी है, हम उन सबको रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि हम लोगों का गली का रोड अच्छा हो, जयगांव का भूटान इंटरनेट का रोड अच्छा हो। हमारा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता बाहर से भी लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, भूटान में जाते हैं, उन लोगों को भी देखते हैं कि जयगांव का ऐसा हालत देखे। मैं ये गाड़ी कितनी देर से यहाँ पे फंसी हुई है? कम से कम 1.5 घंटा से हो गया मैम। देखिए, हम लोग यहाँ पत्थर डाल रहे, धक्का मारे, लेकिन गाड़ी नहीं निकाल रही। कुल कितने लोग मिलकर इस गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं? कम हम 10-15 लोग, अभी देखिए आपके सामने यहाँ 15-20 लोग है, फिर भी कोशिश कर रहे, गाड़ी नहीं निकाल रही है। अब कोई प्रशासन अभी तक आके, प्रशासन ने भी नहीं देखा है, कोई आके ये भी नहीं पूछता है कि क्या हो गया जयगांव में, कैसे ये रोड नहीं बन रहा है, क्यों जयगांव की हालत क्या है, जयगांव में कैसा है, क्या परिस्थिति है। अभी यहाँ तो रोजगार की परिस्थिति दिक्कत आ रहा है, कोई रोजगार नहीं चल रहा है, कि हम लोकल नहीं कर पाते हैं। सुबह से आते ही हम लोग ड्राइवर लोग है, आके यहाँ बैठ जाते हैं कि एक पेट पालने के लिए कोई लोकल आ जाएगा, 200-300 का लोकल करके पेट पालेंगे, लेकिन उसके भी प्रॉब्लम हो रहा है, एक दूसरी रोड के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश होता है, हम बस स्टेशन से अपना जयगांव घर में आ नहीं पाते हैं, तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आज तक क्यों कोई प्रशासन इसको सुध-बुध नहीं लेता है, कोई इसको नहीं देखता है, कोई आके क्या हो गया नहीं सोच नहीं बोलता है, सिर्फ वोट के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में आते हैं, तो आगे पीछे कोई हमारा जयगांव के सुध-बुध ही नहीं करता है। हम इसमें बहुत परेशान है कि हम प्रशासन को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारा जयगांव का रोड, गली का रोड सबसे अच्छा करे, हम लोगों का पानी, बिजली, रोड अच्छा हो जाएगा, था रोजगार भी मिलेगा, काम करके खाने के लिए उनका भी काम मिलेगा, गाड़ी चला पाएंगे, हमारे बहुत समस्या है अभी। नहीं, ऐसे सोचने से तो नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का इतना प्यारा शहर है, इतना अच्छा शहर है, इस शहर के लिए सब प्रशासन संगठन सब आगे बढ़ के हमको ये करना बढ़ाना चाहिएगा, ठीक करना चाहिए, इसको प्रशासन में ठीक करना चाहिए, सेवक से भी ले सब मिल के हम लोग जयगांव को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हम अभी भी प्रशासन को इतना भरोसा रखते हैं, लेकिन आज से 5-10 साल हो गया है, लेकिन अभी जयगांव के लिए कोई विकसित कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई पीछे की बात। धन्यवाद। तो आप देख ही पा रहे हैं कि मतलब किस तरह पब्लिक अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। आप देख ही पा रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से, आपको बता दें पूरे 2 घंटे से यहाँ पे ये ट्रक फंसा हुआ है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा, जो टैक्सी चालक है उनके द्वारा इस गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है, और इसको बहुत मुश्किल से इसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है वैसे ही गाड़ी रुक जाती है। तो भैया यहाँ पे ये क्या हुआ अभी? यहाँ पे देखो, अभी बहुत दिन से यहाँ पे बारिश हो रहा है, आज से 5 साल पहले जो रोड बना था इलेक्शन को टाइम में, उसके बाद रोड नहीं बना। आज कारण यह है कि कारण बहुत कति गाड़ी, एक भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर में विभिन्न जगह देखिए, यहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी आते हैं, छोटे गाड़ी आते हैं, ऑटो चलता है, मोटरसाइकिल चलता है, जैसे बारिश होता है, बारिश के टाइम में इतना हाल खराब हो जाता है कि यहाँ के लोगों को गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी उलट हो जाती है, इसमें कसई कोई प्रशासन नहीं देखता है। हमारा जयगांव इंटरनेशनल भूटान का बॉर्डर है,
लेकिन भूटान के बॉर्डर में आज बस स्टैंड से लेकर के जयगांव बॉर्डर तक में इतनी रोड खराब है र यहाँ के कोई प्रशासन कोई भी आके कसैले भी यहाँ का कोई बात नहीं उठाते है, गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचाते है। हमारा जयगांव का हालत बहुत खराब है, इसके लिए कोई भैया जैसा कि हम देखते हैं आज से 5 साल पहले भी यहाँ पे मतलब जो सड़कें हुआ करती थी वो मतलब कभी भी इतनी बुरी हालत नहीं हुई, इससे बेहतरी हालत में थी। तो आज जो इन सड़क में इस तरह ये गड्ढा हो गया, मतलब इसका कारण क्या है, इसके पीछे का कारण? इसका कारण अब यही है कि कोई प्रशासन बात नहीं सुनता है, कोई गवर्नमेंट तक बात नहीं पहुँचाता है, सिर्फ इलेक्शन को टाइम में वोट के टाइम में आते हैं, वोट मांगते हैं कि हमें वोट दो, ये पार्टी में वोट दो, पार्टी में तो वोट जीतते जाते हैं। वोट जीत के जाने के बाद आज तक जयगांव के लिए कोई प्रशासन कोई भी नेता लोग आके इस जयगांव के लिए कोई बात नहीं उठाता, कोई देखता नहीं है, कोई देखता नहीं है, इसलिए से ये जयगांव का हालत ये हो रहा है। हम लोग तो डेली समस्या का दिक्कत होता है। यहाँ कल क्या हुआ था, एक ऑटो निकाला दूसरा ऑटो फंस जाता है, कितना ऑटो निकालेगा, 12-13-15-20 हुआ गाड़ी मिला के डेली का। अभी देखिए ये देखिए प्रशासन क्या बोलेगा, रोड का अवस्था आप देख ही रहे हैं। मैं आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन का भी कुछ नहीं कहना चाहता, रोड ठीक कर दो गाड़ी ठीक हो जाएगा, अपने आप चलने लगेगा। तो भैया कितना फंसा कर रखेगा बोलिए तो। हमने देखा कि कुछ समाज सेवी आगे बढ़ चढ़ कर इसमें आए और इनको मतलब ये ग्रोथ गाड़ी ऑटो लोगों का गाड़ी, हम अपना पाँव गंदा में भिरा के मैंने ऑटो निकाला 13-14 ऑटो, कोई प्रशासन देखने भी एक बार नहीं आया। हम प्रशासन को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों के जयगांव का रास्ता ठीक करे, हमारा गली मोहल्ले का रास्ता ठीक करे, कि यहाँ का जो इस तक खस्ता हालत है, लोगों को आए दिन एक्सीडेंट होने का डर है, बड़े बड़े गाड़ी पलटने का डर होता है, इसके लिए कोई भी प्रशासन आके इसके लिए देखे र इसको जल्दी से जल्दी ठीक करे, हम प्रशासन को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि मेरे पीछे किस तरह इस सड़क पे एक ट्रक फंस गई और लोग इसे कब से काफ़ी देर से लोग मतलब बहुत ही मुश्किल हालात में है, काफ़ी मुश्किलों से सामना कर रहे हैं कि इस गेट को ये जो ट्रक है इसको निकाला जाए, लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये ट्रक निकल नहीं रहा है। आए दिन रोज़ की रोज़ हम देख पा रहे हैं कि मतलब कोई ना कोई गाड़ियाँ फंसते रहते हैं, कभी गाड़ी तो कभी ऑटो तो कभी ट्रक। क्या है जयगांव का समस्या, आपको खुद देख पा रहे हैं आप किस तरह की समस्या हो रही है। आपको बता दें कि ये समस्या सिर्फ आज की नहीं है, आपको बता दें कि यहाँ से 5 साल पहले भी यहाँ पे जयगांव में सड़कें हुआ करती थी, लेकिन कभी भी सड़कें इतनी बदहाश हालत में नहीं थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं आज सड़कों की हालत कैसी हो चुकी है।